हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक मिलती रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हार्ट ऑन के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। हमने दोस्तों पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपको बता रहे हैं, जिसमें पार्ट वन है, आप देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ है दोस्तों ओनली हार्ट ऑन के लिए है। अन्य दोस्तों किसी कंप्यूटर के एग्जाम कहीं होता है, वह भी ये क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं दोस्तों। तो आइए आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा एमएस ऑफिस के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एमएस ऑफिस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि आते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है INT -67.1 रिटर्न्स। दोस्तों, आपको हार्ट में जो लिखा मिलेगा दोस्तों बिल्कुल आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, इसके आगे आगे पीछे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर आता है 68। दोस्तों, ये एमएस ऑफिस का एक पर्सन है, आप इसको इस फार्मूले को यूज करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल नहीं बताएगा ये एक्सेल में अगर आप लिखते हैं तो रिटर्न देगा आपको 68। अगला प्रश्न है द मैक्सिमम फाइल साइज इन वर्ड इज एमएस ऑफिस। दोस्तों, ये पूछता है कि मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा फाइल कितना बड़ा हो सकता है वर्ड में। दोस्तों, ये 32 MB का हो सकता है, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है द लिमिटेड नंबर ऑफ ओपन विंडो इन एमएस वर्ड इज। दोस्तों, इन्हें पूछा है द लिमिटेड नंबर ऑफ ओपन विंडो इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कितने नंबर लिमिट ओपन कर सकते हैं? लिमिट ओनली बाय अवेलेबल मेमोरी। दोस्तों, जो उसकी अवेलेबल मेमोरी होती है उसी के अनुसार ही यह इस लिमिट को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल। दोस्तों, एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं? दोस्तों, 63 होते हैं, 63। इन विच मीनू ऑप्शन हीटर एंड फूटर इज अवेलेबल। दोस्तों, ये प्रश्न हर बार आता है, इसका उल्टा पूछा जा सकता है। इंसर्ट मीनू में हीटर फूटर होते हैं या ETC। दोस्तों, इन्होंने पूछा है इस प्रश्न में कि कंप्यूटर का जो मीनू फाइल होती है किस ऑप्शन में हीटर एंड फूटर का ऑप्शन होता है, यानी कि जो हीटर लगाते हैं फूटर लगाते हैं। दोस्तों, हीटर वो होता है जो हम फाइल के ऊपर देते हैं, फूटर वो होता है हम जो फाइल के नीचे देते हैं। दोस्तों, यह इंसर्ट मेनू के अंदर मिलते हैं दोनों ऑप्शन। अगला प्रश्न है द शॉर्टकट ऑफ कॉपी फॉर्मेट इन वर्ड इज। दोस्तों, जो वर्ड में हम कॉपी करते हैं, कॉपी फॉर्मेट यानी फॉर्मेट, इन्होंने कॉपी नहीं कहा, कॉपी फॉर्मेट इन वर्ड कहा है। आप कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से मान जाते हैं, लेकिन कॉपी फॉर्मेट, फॉर्मेट की कॉपी करनी है जो फाइल पे जो हम फॉन्ट देते हैं उसका साइज, उसका जो फ़ॉन्ट कलर कुछ भी होता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है टू इंटेंट ए पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट। दोस्तों, जो शॉर्टकट के अनुसार हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं, जो लेफ्ट में अगर हम पैरा लेके जाना होता है तो हम दबाएंगे शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो हमारा लेफ्ट साइड में चला जाता है। अगला है टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जो हमने पैराग्राफ फॉर्मेट की हुई है, कलरिंग की हुई है, जो बैक कलर और उसको फॉन्ट कलर दिया हुआ है उसको हम कैसे हटा सकते हैं? दोस्तों, कंट्रोल प्लस क्या उसे। दोस्तों, आप इन फार्मूलों को यूज करके देख सकते हैं, अगर कोई गलती हो तो मुझे बताइए। अगला प्रश्न है द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टैब स्टॉप इज। दोस्तों, जो हमारी वैल्यू होती है टैब की वो मिनिमम यानी कि छोटी छोटी कहाँ स्टॉप कर जाते हैं? 0.5। दोस्तों, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होगी, इतना टैब होगा ही होगा। अगला प्रश्न टू रन ऑटो फॉर्मेट इन एमएस वर्ड। दोस्तों, ऑटो फॉर्मेट को हम कैसे रन कर सकते हैं? Alt+Ctrl+K। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता सकते हैं। इसमें कंप्यूटर एक बहुत बड़ा महासागर है, इसका कोई अच्छा ज्ञाता नहीं होता, मेरे से बड़े बड़े विद्वान बैठे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको हार्ट ऑन के एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे, 200% गारंटी देता हूँ। दोस्तों, हमारे आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।